थैंक यू। The dais, Secretary, Department of Science and Technology, Government of India, Dr. Chandrasekhar. Secretary, Science and Technology, Government of Jammu and Kashmir, Mr. Saurabh Bhagat. Mayor, Junaid Mattu Sahab. Dr. Anita Gupta, Dr. Akhilesh Ji, Dr. Reddy. Vice Chancellors of the different universities. Members of the scientific fraternity, ladies and gentlemen, and most notably the students who are the main attraction of this program. Aap hain to isi wajah se hum bhi aaj is program mein shamil hain. Sawal ye ki ye startup hota kya hai? Aapne itni lambi chaudi takreerein sun li, startup hai kya, ye sara falsafa kya hai? So what is startup and then why talk about it in Kashmir Valley? वाबिन मीडिया वालों से पूछिए कितनी दिलचस्पी है इनको, ये तो कहते इतने सारे और मौजू लेकर के आए थे, ये क्या छेड़ दिया आपने? अभी बाहर मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि जो आप चाहते हैं बोलना मैंने बोलना नहीं, और जो आपको चाहिए वो मिलेगा नहीं, क्योंकि आज का मौजू कुछ ऐसा है. सो दैट इज़ वाई एम ट्राइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिस, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दिस रीजन डज नॉट हैव हैड द काइंड ऑफ एक्सपोजर विच सम ऑफ द अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री हैड, एटलीस्ट इन दिस एरिया. So why startup and why startup in Kashmir? आपको याद होगा वजीर आजम बनने के बाद जो शुरुआती दौर में जो मोदी जी ने एक बयान दिया था उसमें यह था कि मुल्क के ऐसे हिस्से ऐसे खित्ते जो उस कदर तरक्की ना कर पाए जिस तरह से कुछ और रियासतें कर पाई, उनको उस मकाम तक ला करके ताकि हिंदुस्तान की हर रियासत हर खित्ता एक तरह से तरक्की कर सके और सारे के सारे हिंदुस्तान की तरक्की तभी मुमकिन है. द एग्जैक्ट वर्ड्स ही यूज्ड वाज दैट इफ यू वन आर्म ऑफ मदर इंडिया रिमेन्स फीबल हाउएवर स्ट्रॉन्गर इज द अदर आर्म द टोटल ग्रोथ ऑफ मदर इंडिया विल नॉट बी पॉसिबल. इसलिए एक तो ये वजह और दूसरी, और उसके लिए जब उन्होंने ये बात कही तो जाहिर उनके जहन में था जम्मू कश्मीर का खित्ता, नॉर्थ ईस्ट आइलैंड टेरिटरीज जो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की प्रायोरिटीज से छूट गई थी, जिनको शायद उस तरह की तवज्जो नहीं मिली जिसकी वो हकदार थे. वजूहात कोई भी रही हो उसमें नहीं जाना, लेकिन मोदी जी ने एक नई तहजीब इस मुल्क में पैदा करने का एक कोशिश की है कि जिस चीज की जहां कोताही रह गई उसकी भरपाई की जाए, जहां जिस चीज की जरूरत है उसको पहुंचाया जाए. ये नहीं पूछना कि मजहब क्या है, जात क्या है, ये भी नहीं पूछना वोट पिछली बार हमको दिया था किसी और को दिया, ये भी नहीं कहना कि आज स्टार्टअप किया तो इस बार अगली बार हमें देना. वो छोड़ दे आवाम पर, उनके विवेक पर, उनकी जहनीयत पर. लेकिन अगर हमने हिंदुस्तान की मुकम्मल तरक्की का कोई मनसूबा बनाना है तो वो मुमकिन नहीं कि कोई हिस्सा पीछे छूट जाए. और दैट इज वाई स्टार्टअप इन कश्मीर, क्योंकि एक ऐसी मुहिम जिसने सारे हिंदुस्तान में जोर पकड़ा लेकिन किसी न किसी वजह से यहां पर वो नहीं पहुंच पाई. उसकी क्या वजूहत है उसकी भी कुछ एक लम्हों के बाद बात करेंगे. और साथ ही साथ मोदी जी ने बार बार आपकी जितनी भी तकरीरें सुनिए बात की है टेक्नोलॉजी की, बात की है साइंस की. अब हिंदुस्तान का वजीर आजम को इतनी फुर्सत नहीं कि वो एक ही मौजू को लेकर बात करते रहे. वो इसलिए कर रहे हैं कि हम समझें कि जो हम अगले 25 वर्ष कहते हैं कि अमृतकाल है, हम हिंदुस्तान दुनिया की पहली कतार में आकर के खड़ा हो जाएगा तो कैसे खड़ा होगा. द एंटायर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ इन द ईयर्स टू कम इज गोइंग टू बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, एंड द सूनर वी अंडरस्टैंड दिस द बेटर फॉर ऑल ऑफ अस. बट द पैराडॉक्स इज दैट वी हैड द पोटेंशियल, वी हैड द कैपेसिटी, बट वी डेंट हैव द डायरेक्शन. हमें काबिलियत की कमी नहीं थी, जहनीत की कमी नहीं थी, मेहनत करने का मादा भी था. अनेकों मिसालें हैं हमारे पास. अगर आप तारीख के पन्ने खोलिए जरा आप अंदाज कीजिए, जब विक्रम साराभाई ने स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम शुरू किया हिंदुस्तान में
1950 की दहाई में, तो रूस और अमेरिका तो चांद की धरती पर कदम रखने के लिए तैयार थे, और आप क्या कर रहे थे? आप बच्चों के साथ बैठ के गा रहे थे चंदा मामा धूर के, बड़े पकाए। लेकिन हमारे यहां ऐसे नौजवान थे, आंखों में सितारे, आंखों में ख्वाब, जो समझते थे कि हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। एंड द मैनर इन विच वी हैव टेकन ओवर द क्वांटम जंप, वी हैव ओवरटेकन दोज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच स्टार्टेड देयर स्पेस जर्नी मच बिफोर अस, मेनी डिकेड्स बिफोर अस, आर नाउ पिकिंग अप क्यूज फ्रॉम अस। हमारी रिसर्च, हमारी मिशंस के लाई हुई तस्वीरें आज अमेरिका के नासा को मयसर की जाती है। उस दिन कल ही हम देहरादून में खड़े थे, तो मैंने एक वाक्या कहा कि नील आर्मस्ट्रांग सन 1969 में चंद्रमा पर उतरे, वहां बीबीसी ने फिल्म बनाई, वो टहलपोशी करके आए, और एक उन्होंने फिक्रा बोला जो बड़ा मकबूल हुआ, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। तारीख में चला गया, पहले सब कुछ देखा, लेकिन उनको आगे पीछे पानी नहीं दिखाई दिया। ये हमारा मिशन गया चंद्रयान, कुछ साल बाद चंद्रमा पर पानी की तस्वीरें लेकर आया जो अमेरिका को दी, और पहली बार साइंस की दुनिया में एहसास हुआ कि वाटर इज रिलेटेड टू लाइफ हैबिटेट, H2O, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैबिटेट। इतनी बड़ी खोज, कितना बड़ा एक नया डिस्क्लोजर ये हमारे साइंसदानों ने लाया। कहने का कि मुराद ये कि हमारे पास सब कुछ था, लेकिन पॉलिसी प्लानिंग के लेवल पर शायद उस तरह की प्रायोरिटी नहीं थी जिसकी भरपाई मोदी जी ने की, और ये सोच करके की कि आने वाले वक्त में इसके अलावा हमारे पास ना कोई और अल्टरनेटिव है, ना कोई विकल्प है। इसी तरह से होमी भाभा ने जब एटॉमिक एनर्जी का प्रोग्राम शुरू किया, तो आपको कभी इस बात का एहसास हुआ 1953-54 में जब उन्होंने किया, तो हिरोशिमा नागासाकी को हुए महज 7-8 साल हुए थे। सारी दुनिया एटम के नाम से घबराती थी, थरथरा जाती थी, और किसी हद तक नफरत की निगाह से देखती थी एटम लव्स को। उस वक्त हमारे एक नौजवान होमी भाभा में इतनी जरूरत थी, हौसला था ये कहने का कि मैं एटॉमिक एनर्जी का प्रोग्राम हिंदुस्तान में शुरू करूंगा और ये अमन की खातिर होगा, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम विल बी फॉर पीसफुल पर्पसेस। आज उसकी शनाख्त, उसकी विंडिकेशन वादी कश्मीर से है, आपके सेब की शेल्फ लाइफ डबल कर जाती है एटॉमिक एनर्जी के जरिए। हमने ये दुनिया को साबित करके दिखाया कि वी आर केपेबल ऑफ नॉट ओनली डेवलपिंग टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो यूजिंग इट फॉर द वेलफेयर ऑफ आर पीपल, फॉर ईज ऑफ लिविंग एंड इनडीड फॉर पीसफुल पर्पस। तो देख सकते हैं आप कि कितना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स था, लेकिन प्रायोरिटी में से मोदी जी ने लाया, और इसीलिए इसी तरह से अनेकों ऐसे फैसले किए गए हैं पिछले कुछ सालों में जिनका अक्सर जिक्र नहीं होता, क्योंकि अखबारों में इन बातों की खबर नहीं बनती। वो बार बार सोचते हैं कि मैं किसी को गाली दे के जाऊं तो खबर बन जाएगी, फिर जिसको गाली दी होगी उसके पास जाएंगे, तुझे कैसा लग रहा है गाली सुन के, तू भी कोई जवाब में गाली दे, फिर रात को 9 बजे उसकी डिबेट भी हो जाएगी, तो दिहाड़ी पूरी हो गई। लेकिन ये तारीख इस बात को रजिस्टर करेगी, 70 बरस तक हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी का महकमा एक खुफिया पर्दे के पीछे काम करता था, ना वहां किसी को जाने की इजाजत थी, ना वर्क बिहाइंड अ वील ऑफ सीक्रेसी। आज से 2 साल पहले उसको खोल दिया गया, जिसे कहा गया अनलॉकिंग ऑफ इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी, और आज 2 साल के अंदर, महज 2 साल के अरसे में 102 प्राइवेट स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं इसरो में, बंगलौर में। यानी देयर वाज सो मच ऑफ टैलेंट वेटिंग टू फाइंड एन आउटलेट, एंड वी हैड थॉटल दैट आउटलेट। और इसी सोच के साथ कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल इस पर मुयस्सर है, ये भी सोच करके कि हम लोग, बड़ा दर्द होता है जब देखते हैं कि
जहां भी जाइए धरने पे बैठे हमारे बच्चे, 6,000 की नौकरी, 8,000 की, सारी जवानी उसी में गुजारती। उस दिन मैं शायद बड़गांव में था तो डीसी साहब के दफ्तर बैठे थे, बाहर धरना हो गया। तो मैंने कहा इनको क्यों नहीं समझाते कि 6,000 की नौकरी के पीछे क्यों वक्त जाया कर रहे हैं। बहुत से नए आयाम खोल दिए मोदी जी। बोले साहब आपको गलती लगी है, 6,000 के लिए नहीं है, 2,000 के लिए बैठे। हमारी जहनीयत को खोलने की जरूरत है। और इसलिए हाँ, लेकिन एक जिम्मेवार सरकार का ये फर्ज है और उसको करना भी चाहिए कि सरकारी नौकरी हर फर्द को, हर शख्स को नहीं दी जा सकती, हर नौजवान, लेकिन ऐसे मौके, ऐसे मौके, ऐसे हालात पैदा किए जाए ताकि हर नौजवान अपनी रोजगार खुद कमाने की हालत में हो और उसमें उसकी तौफीक जागे। उसके लिए शिनाख्त की जाए कि किस नौजवान में किस तरह की, किस तरह के काम के लिए उसका एप्टीट्यूड है, प्रतिभा है, तौफीक है, और उसको उस तरह से तराशा जाए। और ये काम स्टार्टअप है। और इसीलिए सन 2015 में मोदी जी ने लाल किले से, जो यौमे आजादी का उनका एड्रेस रहता है, उसमें कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और मुझे यकीन है उस दिन शाम को मुझे बहुत से लोग कहने लगे, साहब ये है क्या, मतलब क्या इस बात का कि कहां से स्टार्ट होना और किसने स्टैंड होना। यानी वी वर लिविंग इन अ सेल्फ इंपोज्ड इग्नोरेंस एंड अनफॉर्चुनेटली मोर सो दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, जो हमारे कुछ हिल स्टेट्स हैं, जो हमारे पहाड़ी रियासतें हैं। लेकिन एक मुहिम ने जोर पकड़ा और आपने देखा, देखते ही देखते शायद आपको, क्योंकि आजकल जमाना के स्टैटिस्टिक्स के साथ बात ना की जाए तो वो बात दूर तक पहुंचती नहीं, 2014 से पहले हिंदुस्तान में महज 300-350 स्टार्टअप से आज बढ़कर के 80,000 से ज्यादा हो गए, यूनिकॉर्न 100 से ऊपर हो गए। और दुनिया में हिंदुस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम का दर्जा 3 शुमार है। यानी थोड़ा सा मौका दिया मोदी जी ने, 4-5 साल के लिए खिड़की खोली और देखिए हमने बच्चे ने कितनी उड़ान भरी। बायोटेक्नोलॉजी, यह है क्या साहब, जब यहां बात करते हैं बायोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, ये नहीं समझ आता था। हमने अपने आप को महरूम रखा इस बदलती हुई दुनिया की नई रोशनी से। और जहां हम खड़े हैं यही है बायोडायवर्सिटी का हब, ये सारे गिर्दो नवा हमारा। 2014 से पहले सिर्फ 50 बायोटेक स्टार्टअप थे हिंदुस्तान में, अभी हमने ही लगाया एक्सपो दिल्ली में प्रगति मैदान में पहली बार, बढ़ करके उसकी तादाद लगभग 6,000 हो गई। हमारी बायो इकोनॉमी हिंदुस्तान की सिर्फ $8 बिलियन हुआ करती थी, आज वो बढ़ करके $80 बिलियन। और हमें जो हमारा प्रोजेक्शन है वो ये कहता है कि 150 बिलियन तक हम 2025 तक पहुंच सकते हैं। और ये बायो इकोनॉमी ही हिंदुस्तान की इकोनॉमी में एक नुमाया रोल अदा करने वाली है अगले 25 साल। हमारे जैसे आते हैं लीडर जो कहते हैं ना साहब हम 25 साल के बाद वहां पहुंचे, तो कैसे पहुंचेंगे, आप भी समझते हैं लीडर है, इसने तो कहना ही है, तो शाम तक लीडर भी भूल जाता है क्या कहा, इतनी सारी तकरीरें करनी पड़ती है निर्भर तक, सुबह तो हम भूल जाते हैं शाम तक तो पहली तकरीर क्या की थी। और अब हम भी सोचते हैं कि साहब भूलने लायक ही था, फॉरगेटेबल। लेकिन इसके पीछे एक साइंसी रैशनल है। यही बायो इकोनॉमी हिंदुस्तान की अनएक्सप्लोर्ड रही, अगले 25 साल वो हमारे सेक्टर्स जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए, आपका ये सारा का सारा सेक्टर। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान भर में जिसकी पर्पल रेवोल्यूशन का जिसका जिक्र किया जाता है, उसकी पैदाइश जम्मू कश्मीर से, गुलमर्ग से शुरुआत हुआ, लेकिन नहीं यहां पर उसकी बातचीत ही नहीं होती, ना आम सभा में बात होती है, ना आवाम में बात होती है, ना मीडिया में बात होती है। गुलमर्ग से चल करके वो
लेवेंडर का कल्टीवेशन भद्रवाह पहुंचा, 5,000 बच्चे उससे जुड़ गए, लाखों में खेल रहे हैं, और दो बच्चे नौकरी छोड़ करके आ गए बंगलोर से। मैंने पूछा भाई क्या करना है, बोले साहब देखा ये आध पड़ा आदमी लाखों कमा रहा है और हम कंपनी के लिए 12-12 घंटे इतनी पढ़ाई करके। और इसलिए दिस स्टार्टअप एक्सपो इन कश्मीर, और आज हिंदुस्तान का 5-6 साल के अंदर दुनिया में वो मकाम है कि हमारे यहां के बच्चों को वहां के स्टार्टअप ग्रुप्स लेने के लिए प्रेफर करते हैं। अभी हम पिछले 2 महीने में जर्मनी रहने का मौका रहा, वॉशिंगटन में रहने का रहा, पुर्तगाल में रहा, तो क्योंकि हमारा खुराफाती दिमाग यही ढूंढता रहता है कि पूछा जाए क्या है, तो मैं ये हैरत हुई, दे प्रेफर इंडियन बॉयज गर्ल्स। और मैंने पूछा कि भाई क्या क्या वजह है, खैर उसमें एक बड़ी दिलचस्प वजह कि साहब ये शनि इतवार को वीकेंड नहीं लेते, कहाँ लेना है, हमारे नसीब में वो छुट्टी मनाने का तो मिजाज ही नहीं है, मेहनत कश और जद्दोजहद से निकला हुआ हमारा मुआशरा, क्योंकि वहां पर वीकेंड के बाद फ्राइडे के बाद कोई नजर नहीं आता मंडे तक, हमारे बच्चे काम करते हैं, ये उनमें से उनकी अनेकों खूबियों में से एक ये खूबी है। बर्लिन जैसे शहर में 12 रेस्टोरेंट इंडियन, मैंने बच्चे को पूछा कि मेरे बेटे ये सस्टेन कैसे होता है, इतने हिंदुस्तानी या एशियन है क्या, बोले सर अगर उनके ऊपर चलना होता कब का बंद हो जाता, यहां आकर तो अंग्रेज खाते हैं हमारा रिश्ता कबाब और छोला भटूरा। मैंने कहा तुमने तो इनका स्वाद ही बदल दिया, यानी ये भी इनोवेशन है, पहले कोई प्रोडक्ट बनाना और फिर उसे आपकी जबान को उस प्रोडक्ट के लिए तैयार करना, इतने इनोवेटिव है हमारे बच्चे, लेकिन हम उन्हें मौका नहीं दे रहे। और जो हमारे पास बीच में सरमाया मौजूद है उसका भी वो पूरा फायदा ले सके, वैसे हालात भी नहीं पैदा हो रहे। और इसलिए यह आपसे बड़ी विनम्र अपील भी है कि हम सब बैठ के, ये हर माशरे के हर फर्द का काम है, सबसे ज्यादा वालिदैन का, ये जो बार बार हमने सरकारी नौकरी की जहनीयत पैदा की है इससे उनको आजादी दिलवाए, और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई हमारी मदद कर सकते हैं तो वालिदैन। तो 12वीं जमात से निकलता है बच्चा तो फिर फलां ट्यूटोरियल फलां कोचिंग ऐसा घुमा देते हैं आप लोग उसको कि वो बेचारा उधरी उन्हीं भूल भलैया में घूम जाता है। कुछ एक रियासतें हैं गुजरात जैसी जहां पर लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करते, मुझे हैरत होगी सिविल सर्विसेज का फॉर्म नहीं भरते। सौरभ भगत जी आईएएस अफसर है, इतनी शान की बात है, ये हमारे लिए फख्र की बात है हमारे यहाँ के, लेकिन वहां भरने को तो मैंने एक अपना ही हमारा चूंकि जमात का लड़का था विद्यार्थी परिषद का, कभी क्यों नहीं भरते, बोले साहब 1.5 साल तैयारी करनी फिर पता नहीं होना नहीं होना, क्यों इतना वक्त जाया करना, तब तक कुछ और कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस वक्त फिजा तैयार है, हालात तैयार हैं, सरकार की ओर से हर तरह की इमदाद में असर है, हमें अपनी जहनियत तैयार करनी है, क्योंकि कई वर्षों तक हम दूसरों के राज में रहे तो इसलिए हमारे यहां फ्यूडल लेगेसी है, इट्स अ पार्ट ऑफ लेगेसी ऑल्सो। और खास तौर से जम्मू कश्मीर में जैसे मैंने कहा अरोमा का है, बायोडाइवर्सिटी है, आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम हाइब्रिड खेती बाड़ी कर सकते हैं, हमारे छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐसा नहीं है कि नहीं है, यहां पामपुर से हमारे पास कुछ खवातीन आई नौजवान, उन्होंने एक ग्रुप भी बना लिया, उनको हमने टेक्नोलॉजी दी सेब की उपज दुगनी करनी थ्रू बायोटेक्नोलॉजी से बीन डन, और उसकी शेल्फ लाइफ डबल करनी ताकि आप सेब अपना जाकर के हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते स्ट्रॉबेरी के लिए। गरीब आदमी आता है गांव से डल गेट पर स्ट्रॉबेरी रखता है, शाम तक बिके तो बिके, अगर कोई दहशतगर्दी की उस दिन हादसा हो गया तो टूरिस्ट भी नहीं आएगा तो क्या, वो भी खत्म। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके हम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। कश्मीर के प्रोडक्ट का वहां पर भी लोगों को एहसास हो कि क्या है कश्मीर की खुशबू क्या है, और साथ ही साथ उसको भी मुनाफा मिले, सरकार ये सब देने को तैयार है।
लेकिन हमें अपना आप इसके लिए तैयार करना है। इसी तरह डेयरी, और अब हम ये रोमा का जो यहां से शुरू किया था मैंने जम्मू कश्मीर से सोच करके कि ये एक शायद सबसे माकूल इलाका है, बदकिस्मती से अभी तक लोगों में उसकी इतनी वलवला नहीं आया, लेकिन अब हम उत्तराखंड और हिमाचल में भी इसको शुरू कर रहे हैं, हिमाचल में जो कोड ऑफ कंडक्ट आ गया उसके बाद। और आने वाले वक्त में जैसे पिछले 70-75 साल हिंदुस्तान की तरक्की में ज्यादातर मगरब और जनूब का हिस्सा रहा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, आने वाला वक्त आपका है। वो जो कतार में पहली मकाम पर खड़े होना है, वो बाकी जब सैचुरेशन पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे तो ये पॉइंट्स जो अनसैचुरेटेड थे, जिनकी कभी तवज्जो नहीं दी गई, ये उसकी भरपाई करेंगे। इसलिए हमारे लिए एक जिम्मेवारी भी है, कौमी हमारे लिए दायित्व भी है। इसी तरह से बैंबू, हमें यह एहसास ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर में बैंबू पाया जाता है। हमने तो गाना सुना था उल्टा बांस बरेली को, तो बरेली सुनी तो झुमका बरेली, वहीं तक घूम गए। बांस बरेली, झुमका बरेली, यहां भी बांस होता है। हमने मैपिंग की और ऐसे जिले हैं हमारे पास, बैंबू सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाया जाता, मध्य प्रदेश में यहां पर है, कठुआ, रियासी, इतने सारे। अभी वहां पर हम 3 क्लस्टर्स बनाने का कर रहे हैं मंसूबा। आपको मालूम है कितना बड़ा ये सेक्टर है? हिंदुस्तान में हर साल 5,000-6,000 रुपए की तजारत, 5-6 हजार करोड़ रुपए की तजारत होती है बहस अगरबत्ती से। बैंबू आपके पास, अगरबत्ती आप खरीदते हैं कोरिया और वियतनाम से, कितनी शर्म की बात है। अब इसको लेकर के भी देखिए मोदी जी ने क्या किया, और उसके लिए कुछ एक यहां पर दिक्कतें थी। ये फॉरेस्ट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस तो सबसे बड़ा मुश्किल महकमा है, और सब चाहते हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं पहुंचने, एक बार लग जाए 2 साल तो बंगला बन जाएगा फॉरेस्ट क्लियरेंस देने के नाम पर। किसी को देनी ही नहीं, जो देके जाए उसको देनी। मोदी जी ने 100 साल पुराना ये एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, अंग्रेज बनाकर गए थे सन 1918 में, उसमें तब्दील की है, और बैंबू को उसमें से निकाल दिया। होम ग्रोन बैंबू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट क्लियरेंस, ताकि बिना इजाजत के हमारा नौजवान, और बैंबू एक वर्सटाइल प्रोडक्ट है, फर्नीचर बनता है, बिल्डिंगें बनती है, मकान बनते हैं, इमारतें बनती हैं, गहने बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, कपड़े बनते हैं, मोजे बनते हैं, हर तरह का। और जब तहस नहस हो जाए, जल जाए, तो पेट्रोल का भी, फ्यूल भी बनता है, कागज बनता है। हमारे बीच है वो, हम आपको इमदाद देने को तैयार है, आपको टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, आपकी उंगली पकड़ करके आपको मार्केट तक पहुंचाने के लिए तैयार है। ये जो लाखों में खेल रहे हैं लेवेंडर वाले, तो कैसे खेल रहे हैं? हमने टेक्नोलॉजी दी, उनका टाई अप कराया कुछ एक कंपनीज के साथ जो अतर बेचती हैं, छोटी छोटी वो अतर की शीशी 5,000-5,000 में बेच रहे हैं। और ये हमारा एक मजमूई फर्ज है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से तो इसमें और ज्यादा वैल्यू एडिशन होने की गुंजाइश है। ड्रोन हमारे बीच में है, आज हमने नुमाइश में देखा ड्रोन बनाए हुए, लेकिन कितना उसका इस्तेमाल हो रहा है, सवाल ये है। अगर आप खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में करें, तो एक ही वक्त में ड्रोन उड़ाए, पानी भी फेंक आएगा, खाद भी फेंक आएगा, वो जो पेस्टिसाइड होते हैं जिसे कहते हैं कीटाणुनाशक, वो भी फेंक आएगा, वक्त भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। और ये एग्री टेक स्टार्टअप, ये आप जहन में रखिए, ये कॉन्सेप्ट और ये हाइप ये कश्मीर से पैदा हो सकता। कश्मीर कुड बी द हब ऑफ एग्री टेक स्टार्टअप, बिकॉज वी हैव अ रिसोर्स विच नो अदर रीजन हैज। इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर दिस, द डेफिशिएंसी लाइज समवेयर विद अस। लेकिन वही जहनीत की, अब जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आपको दिमाग में पुराने जमाने का किसान है, 2 बीघा जमीन का बलराज सहनी या मदर इंडिया की नरगिस, आज वो नहीं है जमाना रहा। आज का ये एग्रो टेक टेक्नोक्रैट है, ये एग्री टेक्नोक्रैट है, पढ़ा लिखा है, ये जीन टी शर्ट पहन करके कंप्यूटर पर बैठता है, वहां से अंदाजा लगता है, सॉयल हेल्थ कार्ड,
कल ही मैं शाम को एक बच्चा मेरे पास आया कर्नाटक का, उसको मैंने ही प्रमोट किया था कुछ, वो बार बार जब नई टेक्नोलॉजी लाता है तो मेरे पास आता है, AI ड्रिवन छोटा सा गैजेट, यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स रिक्वायर्ड फॉर अ प्लांट, पानी एक्स्ट्रा भी ना कम, और सॉयल की क्या उस वक्त तबीयत है, कितना मॉइस्चर है, उस गैजेट से। ये वो वाले किसान नहीं है कि हल जोतते रहो और आउटपुट कम और मेहनत में ही सारी जिंदगी खपा जाए, ये एक बहुत बड़ा सरमाया है, हम इसकी ओर देखें, और ये शुरुआत यहां से हो सकती है, और इसलिए मुझे यकीन है हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसके कुछ एक यहां में अभी नुमाइश में दिखाया, बायरैक के एक दो मैंने स्टॉल देखे, ये सारे अदारे बड़े खुलकर के आपकी मदद करने को तैयार है। अब उसके लिए कि जानकारी के लिए हमें कोशिश कर रहे हैं, एक तो दो उसके लिए पहलू में बात खत्म करने से पहले, एक तो सस्टेनेबल स्टार्टअप्स, जैसे मैंने लिखा था कि स्टार्टअप्स एज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, वो कैसे बनाना, उसके लिए उसको इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करिए, रिसर्च अकेडमिया इंडस्ट्री, ये सिनर्जिज्म, पहले दिन से ही इंडस्ट्री की भागीदारी हो, ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे को काम में लगा दें, जब उसका प्रोजेक्ट पूरा हो जाए मुकम्मल हो जाए तो कोई लेने वाला ना हो, इंडस्ट्री वाले को 7 साल लगाइए, हमने वो शुरुआत कर दी है, 100 करोड़ मैं लगाऊंगा, 100 करोड़ आप लगाएं, आप जो 100 करोड़ लगाएंगे उसमें मेरी मदद होगी, वो 100 करोड़ दूसरा व्यापारी लगाए, जब वो 100 करोड़ लगाएगा आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो उसको लगेगा कि और तो जो जेब से गया था उसकी तो भरपाई करनी है, तो आपको आगे के लिए भी अपने साथ रखेगा, आपके लिए एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड सोर्स बनेगा, आपका इंडस्ट्री लिंकेज शुरू से हो, और इसीलिए मैं चाहूंगा अगली बार जब सौरभ जी इस तरह का मुनक्कद करे तो इस हॉल में बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्री के नुमाइंदे हो, क्योंकि इस सारी गुफ्तगू के बाद आगे की उड़ान भरने के लिए हमें इंडस्ट्री का ताबून चाहिए, और हम अपने आप प्रोजेक्ट शुरू करने के वक्त ही इंडस्ट्री को साथ जोड़ें। CSIR है हमारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च, में उनसे भी कह रहा था जो नई मैडम आई है, मैंने कहा वी हैव टू रिस्टोर द मिसिंग आई, हम इंडस्ट्री पर जोर दें, और फिर देखिए, और दूसरा इंटेग्रेटेड अप्रोच, मैंने अभी वाइस चांसलर साहिबान से गुजारिश की है, जम्मू में ये हमने तजुर्बा किया, सारे अदारे स्कॉस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी IIT एम्स IIM उनका एक मजमुई कलेक्टिव MOU, वरना ये नहीं मालूम कि आपके यहाँ क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है, आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है मेरे पास क्या है, और थीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो, ये नहीं है कि मैंने NIT में ये शुरू कर दिया दूसरा कि मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम थीम बेस्ड प्रोजेक्ट बनाए और फिर देखें कौन कौन कहाँ जुड़ता है, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी जुड़ती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां स्किम जुड़ता है स्किम जुड़े, टेलीमेडिसिन का इतना बड़ा हमने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंप लगाया, 60 ऐसे गांव शनाख्त किए जहां पर किसी ने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी थी, वो केवल तसव्वुर करते थे कि डॉक्टर कैसा दिखता होगा, 4 आंखें होंगी 2 कान होंगे, वो ख्वाब में ही था डॉक्टर, ऐसे ही बेचारे आते थे गुजर जाते थे, टेलीमेडिसिन से 3 महीने कैंप लगाया, 15 मिनट में सारी शनाख्त, अगले 20 मिनट में हिंदुस्तान के बेहतरीन डॉक्टर के साथ कनेक्ट, क्योंकि उस तरह से अस्पतालों के साथ टाई अप किया था, और लगभग 50 मिनट के अंदर उसको नुस्खा मिल जाता था। अब उसमें क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी तो मैंने अपने सरमाए से कहीं से किया, लेकिन कुल मिलाकर के कोई 60 लाख रुपया उसमें लगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करें, हेल्थ टेक स्टार्टअप्स, हेल्थ स्टार्टअप्स, तो कितना बड़ा ये है अगर आप अपने बच्चे को। अब क्या है कि योर चाइल्ड इज गाइडेड बाय योर नॉलेज, बट नॉलेज इज गॉन बियॉन्ड यू, इसलिए आप उसको कहिए बेटे तू जा वेबसाइट पे देख, ये मेरे बस की बात नहीं, और सब कुछ है आजकल, यहाँ आपके यहाँ एक 30 दे हैव अ ग्रुप कॉल्ड सुपर 35 इन कश्मीर, जो आर्मी वालों के अब उनसे चलता है, तो अब कोविड आ गया, उससे पहले मैं उनके साथ बैठता था कि बहुत कुछ सीखने को मिलता था, वो सपोर्ट देते हैं आर्मी वाले ऐसे बच्चों को जिनके पास अपने जरियात की कमी हो, और IIT JEE उस बैच में से 30 में से 9 बच्चे IIT और बाकी के सब डिफरेंट NITs। तो IIT की एक छोटी सी बच्ची थी
सोपुर की हार्डली 12वीं जमात, पहली बार भी हमको तो दिल्ली ले जाते थे, वहां को घुमाते भी थे उनको। तो मैंने उसको कहा कि बेटे तू तो वहां बैठी थी, वहां बाहर मिलिटेंसी चल रही है ना, तो कोचिंग में गई। तो कहती है यस आई हैव दिस फर्स्ट टाइम आई हैव कम आउट ऑफ वैली एंड इट इज अमेजिंग टू सी टू बी इन दिल्ली, ऐसे बोलती, बड़ी चुलबुली बोलती थी वो बातें। मैं कहा बेटे वहां कोई इमदाद नहीं, कोई कोचिंग, तो तूने कैसे कर लिया? कहती है अंकल वो, उसने अपनी जेब से वो निकाला मोबाइल, सब कुछ इसमें, 8 महीने लगातार 14 घंटे रोज तैयारी करनी, यू कैन क्रैक IIT। मैं कहा मुझे किसी ने बताया होता मैंने भी किया होता जब मैं बच्चा था। इस तरह की ज़हनियत हमारे बीच में है। इसी तरह से हेल्थ स्टार्टअप्स और खास तौर से एग्री टेक स्टार्टअप्स, बैम्बू, इन चीजों को लेकर के हम कश्मीर से शुरुआत कर सकते हैं। और अब ये बात है कि इसका प्रचार प्रसार कम होता है लोगों में, और इसलिए हमने कुछ अपने लेवल पर कुछ एक इकदाम सोचे हैं। सिंगल पोर्टल बना देते हैं, आसान हो जाएगा, आप एंटर करिए, हम ना सही तो बच्चे को कहिए उसको पता है, आगे से पोर्टल गाइड करेगा कहाँ जाना है, आपका किस तरफ दिलचस्पी है, किस तरफ रुझान है, किस तरह आपके हालात हैं, किस तरह आपका सरमाया है, उस तरह। उसके अलावा वर्कशॉप्स या इस तरह के एक्सपोज, जैसे अभी सौरभ साहब ने कहा कि हमने अहमदाबाद में लगाया, उससे पहले जम्मू में लगाया, चंबा में गए थे हम, जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का। और दूसरा ये कि जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब कह रहे थे कि सोशल मीडिया के, मीडिया के बियॉन्ड हमने काम किया। यू सेड यू हैड गॉन बियॉन्ड द मैटर, द फैक्ट इज दैट बिसाइड्स मेन मीडिया, मेन मीडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, सो यू हैव टू एक्चुअली यूज योर ओन सोर्स एंड दैट इज सोशल मीडिया। हमने ये एक कामयाब तजर्बा किया है, दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर के सफाई का हमने एक कैंपेन किया, 75 दिन कोस्टल क्लीनिंग कैंपेन, 3 जुलाई से शुरू हुआ, 16 सितंबर को खत्म हुआ। हिंदुस्तान का 7,500 किलोमीटर लंबा कोस्टल एरिया, उसकी सफाई का काम। और हमें मालूम था कि अखबार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, टेलीविजन को भी इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है डिबेट में, तो हमने एक सोशल मीडिया ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया, वो ट्रेंडिंग में रहा और उसकी हाइप इतनी ज्यादा हुई कि सारा सारा मुआशरा उसमें जुड़ गया, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, मेडिकोज, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट। प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने उसका ट्वीट किया मुबारकबाद का और सबको हौसला अफजाई की। यानी हम अपना इकोसिस्टम बना सकते हैं, आज आप कल, हर टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मीडिया का अल्टरनेटिव भी हमारे पास है, हमारी जेब में है, आपको कोई जरूरत नहीं वक्त जाया करने की। हाँ उनको समझ आएगी, धीरे धीरे उनको भी आएगी समझ, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी, उनको ब्यूरो वाला कह के भेजता है भाई जा तू पूछ के आ रहा हूं वहां, जगह ये हुआ उसका क्या जवाब, नहीं आएगा तो तेरी गैर हाजिरी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको भी, जैसे जैसे फिजा बदलेगी तो वी ग्रो एज ए होल इन दिस सोसाइटी, लेकिन तब तक हम कुछ अपना ऐसा बना सकते हैं। वो जैसे जिगर मुरादाबादी का शेर है कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अब उनका अहले सियासत है मौजू, तो वो जाने, अब आपका मोहब्बत, आप मोहब्बत करनी छोड़ तो नहीं देंगे ना, नहीं ना छोड़ते जब मोहब्बत हो जाए तो। इसलिए हम अपना एक दरिया ढूंढे, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम के अलावा कोई हमारी प्रचार नहीं करता। हाँ लेकिन अगर मीडिया कर सके मोटिवेट, तो मैंने ये कहा था कि महीने में या हफ्ते में एक सक्सेस स्टोरी, जैसे अभी 50 स्टॉल लगे हैं, ज्यादा नहीं तो एक हफ्ते में एक इनकी सक्सेस स्टोरी अगर छाया हो जाए तो भी मुझे लगता है कि मुआशरे की बहुत बड़ी खिदमत रहेगी। बहुत ज्यादा नहीं कहना, ये हमारा इतना महबूब मौजू है कि मैं सारा दिन चल सकता हूँ इस पर, कभी और वक्त आएगा उस तरह का तो बात करेंगे। लेकिन हम ये समझें कि अगले 25 साल हमारे पास मौका है, और जो ये बच्चे हैं नौजवान जिनमें उस तरह की एनर्जी भी है, पोटेंशियल भी है, 25 साल एनर्जेटिक ये अपनी खिदमात दे सकते हैं, इनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि जब 2047 में आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह बनाएगा तो यही है जो झंडा चढ़ाएंगे, जो जश्न मनाएंगे। हम सब तो रहेंगे ना रहें, और रहे भी तो चाहे तो उस काबिल ही ना रहें, लेकिन इनके हिस्से में
खुदा ने इतनी बड़ी नेमत बख्शी है, इनको इस बात का एहसास कराया जाए। अगर हम इनका एहसास कराया जाए तो फिर शायद हम उस वक्त हों के ना हों, हमारे लिए यही एक बहुत बड़ी सुकून और तसल्ली की बात है कि हमने इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में जो हमसे उम्मीद थी उस तरह का हमने रोल निभाया। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन और नुमाइश रहेगी, औरों को भी इसके लिए कहिए।